हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। तो बहुत देर बारिश से लड़ाई करने के बाद अब बारिश बंद हुई है, थोड़ी धूप निकली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो तो बना ही देता हूँ। जब ये वीडियो आप देखेंगे तब मैं रहूँगा दुबई में और आपको इसकी डिटेल सारी मैं व्हाट्सएप पर भेज पाऊँगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही कॉल करें, क्योंकि मैं आऊँगा वापस आपके 25 तारीख के बाद आप नॉर्मल कॉल भी कर पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार पहले आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा वर्क। घर के बाहर आपकी रोड होने वाली है 30 फीट की और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके सामने दिख ही रहा है, पूरा कॉलम के ऊपर होने वाला है। ये UIT कन्वर्टेड प्लान है, तो इसमें आपके लोन भी अच्छा खासा हो जाएगा। मैं एक बार आपको अंदर से पूरा नक्शा दिखा दूंगा। छोटा मोटा कुछ भी चेंजेस आपको करवाने हैं तो आप वो चेंजेस भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आसपास में आप पहाड़ियों का व्यू भी बहुत अच्छा देख पाएंगे और UIT कन्वर्टी है तो आपके लोन तो ईजिली हो ही जाएगा। तो अब हम चलते हैं। इसमें आपको 4BHK और 3BHK दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपकी एक छोटी पार्किंग रहेगी और वहाँ से भी आपकी एक एंट्री हो जाएगी और एक एंट्री आपकी यहाँ से दी गई है। वेस्ट फेसिंग का मकान है ये और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेफ्टी टैंक और इस साइड में आएगी आपकी बोरिंग जो कि आप देख ही सकते हैं और वाटर टैंक भी आपका उधर ही आएगा। वास्तु के हिसाब से आपका या तो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पे दे दिया है। ये आपका एक गेस्ट बेडरूम रहने वाला है पूरा और यहाँ से वापस आपकी नॉर्थ की एंट्री रहने वाली है जो कि बिल्कुल आपकी बाहर से होने वाली है। तो जो भी गेस्ट आते हैं आपके लिए उनके लिए सेपरेट गेट दे दिया पूरा और आपके लिए इधर से दे दिया है। तो ये होने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम जो कि आपके हॉल और ड्राइंग रूम के साथ अटैच होने वाला है और ये हो जाएगा आपका पूरा किचन। किचन में आपका एल शेप का प्लेटफॉर्म लगेगा यहाँ पे पूरा जो कि नॉर्थ वेस्ट में आने वाला है और ये हो जाएगा आपका पूरा स्टोर का स्पेस और ये वाले जो वॉल है वो यहाँ तक आएगी, छोटी सी लॉबी हो जाएगी, ये फिर आपका एक हॉल हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम और इसमें किचन आपको मॉड्यूलर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कितना हम करके देंगे। अगर आप कुछ भी चेंजेस करवाना चाहते हैं तो चेंजेस भी करवा सकते हैं इसमें, नो डाउट। इधर आपका पूरा वार्डरोब का स्पेस रहेगा, आप देख सकते हैं, और इस रूम के साथ ही आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख पाएंगे। और अब यहां से चलते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है और यहां पे आपका वॉर्डरोब का स्पेस रहेगा और सामने आपको भगवान के मंदिर का स्पेस प्लस पीछे वाली छोटी बालकनी और वेंटिलेशन के लिए पास वाले रूम में भी आपको एक विंडो दी गई है जो कि आपने देखी ही होगी। और इसमें आपको एक रूम ऊपर देखने को मिल जाएगा। अभी तक हम 3 रूम नीचे देख चुके हैं, हॉल, किचन, लेट बाथ आपका सेपरेट भी हो गया एक रूम में और एक आपको हॉल में देखने को मिल जाएगा। एक रूम इसमें आपको ऊपर बना के देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 4BHK मकान चाहिए तो आपके लिए रेडी है बिल्कुल, दीपावली तक आपको पोजिशन दे दिया जाएगा। छोटा मोटा कुछ भी चेंजेस करवाना है तो चेंजेस भी इस पर नो डाउट आपके हिसाब से करवा सकते हैं। आसपास में पूरा जो एरिया है पूरा ग्रीनरी है और इसकी जो प्राइस है वो है 57 लाख रुपीज़ जो कि है नेगोशिएबल। यही अगर आप 3BHK में जाते हैं तो उसकी प्राइस रहेगी आपकी 53 लाख रुपीज़ जो कि होगी नेगोशिएबल। आगे आपके एक साथ 4 मकान बन रहे हैं, फिर से लेके आया हूँ एक बार वापस से 4 मकान 3BHK और 4BHK। ये 4BHK है और 3BHK पीछे बन रहा है, अभी दीवारें इसमें खड़ी हो चुकी है। यहाँ की और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर पाएंगे, बट जब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन तो हूँ मैं बाहर, है ना। तो आप मुझे 25 जुलाई के बाद वापस कॉल कर सकते हैं। अगर इसकी कोई डिटेल चाहिए आपको तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो ये 4 मकान आपके वेस्ट फेसिंग होंगे, इसमें आपके अभी वॉल का काम चालू हो चुका है, इधर भी आपके कॉलम स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है। छोटे मोटे कुछ भी चेंजेस करवाने हैं आप करवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। रोड आपकी 30 फीट की होने वाली है, पीछे आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, ग्रीनरी पूरी, और आपको ये लाइफ टाइम ऐसे ही मिलने वाली है। आप इधर भी देखेंगे ऊपर की तरफ और आप उधर भी देखेंगे, चारों तरफ आपको पहाड़ी देखने को मिलने वाली है।